हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टिबन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे रिलायंस के शेयर्स के बारे में, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ गाइस, जिनके लिए ये चैनल नया है तुरंत जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए फॉर माय लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए रिलायंस के शेयर पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2727 पे शेयर कंटिन्यूली ट्रेड कर रही है। 5 डेज पे आ जाते तो अच्छी तेजी, 3% की तेजी देखने को मिली है, उससे ज़्यादा ही है, मतलब मैं 3% अप्रॉक्स बता रहा हूँ। और यहाँ पे 1 मंथ में 5% की तेजी, 6 मंथ में देख सकते हैं अभी एक बहुत ही प्यारी पिक पॉइंट पे है। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम मुझे बताना था कि अभी रिलायंस है एक बहुत ही प्यारी पिक पॉइंट पे। यहाँ पे देख सकते हैं इस पिक पॉइंट पे आके हमेशा गिरते हुए दिखी है, तो यहाँ पे इसकी बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट होते हुए दिखी है। तो मैं आपको उस चार्ट पैटर्न पे भी लेके जाऊँगा, पर अभी मैं आप लोग ऐसे ही समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक पॉइंट पे, तो आपको बहुत ही संभल के खेलना है मार्केट में अभी राइट नाउ। यहाँ जो लोग पैसा लगाए हैं, मैं पैसा बोलूँगा ज़्यादातर, आप लोग को निकाल लेने का बेस्ट ऑप्शन दूंगा। यहाँ पे मूव कर जाता हूँ, देख सकते हैं होल्डिंग्स में कमी होते हुए नहीं दिखी, 56.08% तक की होल्डिंग्स बनते हुए दिखी है। हाँ, मानते हैं कि अदानी अभी अदानी का मैं बोल रहा हूँ, रिलायंस अभी राइट नाउ जरूर सेकंड पे है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पास अभी फंड्स की कमी है या कोई दूसरे मार्केट में मूव नहीं करे। रिलायंस अभी इस तरीके से मूव कर रही है मार्केट में कि पूरी की पूरी सब्जी मंडी, जिनको भी पता है सब्जी मंडी के बारे में, ऑफकोर्स वेजिटेबल मार्केट, तो वो मेन वेजिटेबल मार्केट तक ये अपने साइड ऑक्यूपाई करने वाले हैं। और ये इनफैक्ट बहुत ही, मतलब अभी जो इनकी प्लानिंग चल रही है वो बहुत ही गजब की प्लानिंग है। तो इस चीज़ पे हम लोग को बहुत ही ज़्यादा, मतलब हो सकता है कि रिलायंस आने वाले दिनों में फिर से एक फर्स्ट पोजीशन पे आ जाए। अभी आप लोग को एक चीज़ तो पता होगा, हॉटस्टार का ये सब का बहुत सारी चीज़, IPL का ऑथराइज्ड अभी रिलायंस बन गया है ऑनलाइन OTT प्लेटफॉर्म पे, तो ये सब चीज़ को लेके बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। यहाँ पे रिलायंस के फर्दर हम लोग ध्यान दें तो फर्दर आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से फ्लक्चुएशन होते हुए दिखा है मार्केट में। यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी यहाँ पे डाउन, मतलब बीच में इतनी ऊपर जाने के बाद भी यहाँ पे डाउन आते हुए दिखी थी। तो यहाँ पे मेनली मैं आप लोग को दिखाना चाहूँगा कुछ, ये 1 डे का चार्ट है अभी, पर मैं 3 मंथ्स पे ज़्यादा मूव करना चाहूँगा कि आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। अभी ये जो पिक पॉइंट क्रिएट किए हुए कि 1 ईयर पे ही चला जाता हूँ, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पिक पॉइंट पे जो है राइट नाउ, यहाँ पे देख सकते हैं 2800 तक जाते हुए टच करते हुए दिखती है मार्केट में, पर फिर से गिरावट बना देती है। यहाँ पे अगर हम लोग अभी भी अगर सपोर्ट लेके बात करें तो कितनी ज़्यादा डाउन आ सकती है, क्योंकि मैं आप लोग को ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि लगातार एक तरीके से फ्लक्चुएशन दिखाते हुए दिखी है मार्केट में। यहाँ पे देख सकते हैं इतनी ऊपर भी आते हुए नहीं दिखी थी, पर फिर से उतनी ज़्यादा ही डाउन जाते हुए दिख चुकी है। तो हमें यहाँ पे डिलीवरी तो अच्छी खासी हर टाइम देखने को मिली, मैं इस पॉइंट पे भी वीडियो बनाया था या देख एनालाइज तो हमेशा करते रहता हूँ, तो इस पॉइंट पे भी अच्छी खासी डिलीवरी पर गिर जाती है मैं। तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो मैं आप लोग को सबसे बेस्ट चीज़ सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आप लोग 100 को मैं अगर लेके चलूँ तो आप 100 शेयर अगर बाई किए हुए तो आप अपना 50% शेयर सेल कर दिए, तो आपके पास 50 शेयर्स बाकी रहेंगे। अगर 50 शेयर्स बाकी रहते हैं और यहाँ पे अगर आपको ब्रेक देखने को मिलता है, जस्ट वेट मैं थोड़ा और यहाँ पे मैं आप लोग एक और चीज़ बताऊँ, ये जो 50 शेयर आपके पास बाकी रहेंगे, आप इस पॉइंट पे मैं यही सजेस्ट करूँगा सेल कर दीजिए। अगर आप लोग इस पॉइंट या इस पॉइंट से बाई किए हुए 10% का भी प्रॉफिट या 7% का भी प्रॉफिट मिला है तो सेल कर दीजिए। 50 देखिए, अगर हाँ हम लोग को ब्रेकआउट के बाद चांस मिले तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। अब ब्रेकआउट कितना 2900 के ऊपर मिले तो उसके बाद अच्छा चांस रहेगा कि हाँ पैसा लगा के मे भी हो सके अच्छा बढ़ जाए, पर अगर फिर से डाउन आ जाए तो आपका जो अभी राइट ना उतने टाइम से इन्वेस्ट किया हुआ, 3 मंथ से या 3 मंथ या 4 मंथ से पैसा जो इन्वेस्ट किया हुआ है, फिर से वो डाउन आ जाएगा और फिर से आप लोग को ख़राब लगेगा। तो इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट कर रहा हूँ कि इससे बेटर आप 50% अमाउंट अपना निकाल लीजिए, और अगर आप लोग को लगता है 2900 जैसे ही क्रॉस करते रहेगा या कुछ भी ऐसा अपडेट आता है तो मैं आप लोग ऑफकोर्स अपडेट कर दूंगा, एनालिसिस में कुछ भी चेंजेस आता है तो मैं अपडेट कर दूंगा आप लोग को, और फिर उसके बाद आप लोग बाई कर लीजिएगा इस शेयर्स को, तो आप लोग के पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा, प्रॉफिट भी बनते हुए दिख जाएगा और अगर डाउन भी आता है तो आपको उतनी ज़्यादा डाउन भी आते हुए नहीं दिखे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी बता देता हूँ, अगर आप लोग इस पॉइंट से बाई किए तो 2600 इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रह सकती है। अगर ब्रेक, मतलब वो बहुत ही नहीं बोलता है, S1 बोल सकता हूँ, S1 फर्स्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, रह सकती है, तो आपको टेंशन लेने की बात है नहीं। ये बहुत ही, जितना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो शेयर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत कोई अपने पैसा बहुत टाइम से फंसा के रखे हुए रिलायंस के स्टॉक में और ये चीज़ को लेके बहुत ही पैनिक भी रहते हैं। तो प्लीज़ शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो जाए, चैनल पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो में, सॉरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके से रेगुलर अपडेट आती रहती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन माई बेल आइकन। थैंक यू।